मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एंगल सिस्टम ऑफ हेयर कटिंग, ठीक है। उसको समझने से पहले आपको कुछ मैं टर्म्स बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये देखिए, दिस इज जो टर्म्स है वो है गाइडलाइन, बॉक्स एरिया, एलिवेशन, नेप एरिया, ये है गाइडलाइन। अब गाइडलाइन बेटा क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेयर कटिंग में। इसी लाइन के बेस पे हम सारा हेयर कट करते हैं। मैं आपको डमी पे साथ बताती हूँ कि क्या है ये गाइडलाइन। ये देखिए, दिस इज बॉक्स एरिया, जब भी हम लेते हैं दिस इज कॉल्ड बॉक्स एरिया। ये देखिए, ये सेंटर वाला जो होता है, दोनों आईब्रोज के जो सेंटर का हेड होता है, जैसे ये हमने ली हुई है सेंटर में लाइन ली हुई सेक्शन की, इस तरह दिस ये बॉक्स एरिया हम लेते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉक्स एरिया। इसको जब हम काटते हैं, पहले स्टार्टिंग हम बॉक्स एरिया से हेयर कट की करते हैं। मान लो कि मैंने यहां पे इसको काट दिया स्ट्रैंड को, इसको काटने के बाद जब ये हमारी गाइडलाइन बन जाएगा ये स्ट्रैंड, इसके बेस पे हम नेक्स्ट जैसे गाइडलाइन लेके आगे हम हेयर कट करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको दिखाने के लिए कि व्हाट इज बॉक्स एरिया एंड व्हाट इज गाइडलाइन। बॉक्स एरिया हमेशा आईब्रोज का मिडल में एक स्ट्रैंड हम लेते हैं, जब कट शुरू करते हैं उसमें जो हम कटिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड गाइडलाइन। इसी गाइडलाइन के बेस पे सारा कट बेस्ड होता है। उसके बाद है एलिवेशन। एलिवेशन बेटा क्या होता है, एलिवेशन होता है कि लिफ्टिंग ऑफ द स्ट्रैंड। लाइक मैंने अब आपको ये कट करना है, मान लो 90 डिग्री, तो मैंने ये वाला स्ट्रैंड को इस तरह लिफ्ट किया, ये देखिए इस तरह, तो ये क्या है अपने हेड से ये जितना लिफ्ट हुआ दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। अगर मैं यहां पे उठाती हूँ 180 डिग्री पे तो ये इतना एलिवेट हुआ, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेप एरिया। बेटा नेप एरिया होता है नेक और हेड के बीच का, दिस इज नेप एरिया। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है, दिस इज नेप एरिया, दिस इज हेयर लाइन एरिया, दिस इज हेयर लाइन एरिया एंड दिस इज क्राउन एरिया, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें आपको मैंने बतानी है दैट इज लाइन्स। लाइन्स ये आपको पता है सेक्शनिंग में की हुई है हमने, मैंने आपको बताया था दीज आर वर्टिकल लाइंस, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस। उसके बाद डायगोनल लाइंस भी होती हैं जब हम हेयर कट के अकॉर्डिंग लाइंस सेक्शनिंग करते हैं। वर्जिन हेयर बेटा क्या होता है, वर्जिन हेयर वो हेयर होते हैं जिन पे हमने कभी भी कोई केमिकल नहीं लगाया होता। केमिकल ट्रीटेड हेयर वो हैं जिन पे हमने केमिकल लगाया, लाइक स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग या परमानेंट वेविंग हमने की हुई है, दैट इज कॉल्ड केमिकल ट्रीटेड हेयर। टेक्सचरिंग क्या होता है, टेक्सचरिंग इज अ टेक्निक ऑफ हेयर कट जिसमें हम ऐसा कट करते हैं जिसमें बालों में से हम हैवीनेस को रिमूव करते हैं, बल्किनेस को ऑलमोस्ट रिमूव करते हैं। वन लेंथ कट क्या होता है बेटा, वन लेंथ कट इज द 0 डिग्री कट, ठीक है, मीन्स कि स्ट्रेट कट एंड यू कट ऑलवेज 0 डिग्री कट। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू एंगल सिस्टम बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये 0 डिग्री कैसे आता है। वन लेंथ कट को ही स्ट्रेट कट बोलते हैं, जितने भी 0 डिग्री कट हैं वन लेंथ कट हैं। ग्रेजुएशन कट मीन्स 90 डिग्री कट जो हम करते हैं, प्लस 90 डिग्री कट जिसमें हम बाउंस ला सकें। थिनिंग शेयर्स, ये टूल्स के बारे में थोड़ा सा, एक तो नॉर्मल आप सीजर लेते हो, आपको पता है आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है हेयर कटिंग के लिए, आपको सीजर चाहिए, आपको टेल कॉम चाहिए, आपको नॉर्मल कॉम चाहिए, आपको कटिंग क्लिप्स चाहिए, आपको वाटर स्प्रेयर चाहिए, इस तरह कई तरह की टाइप्स हैं सीजर्स की। लाइक थिनिंग शेयर मीन्स थिनिंग से ही पता चल रहा है, इस सीजर से कट करते समय हमारे बालों से, जिससे जब हमने कट में बालों को पतला दिखाना है, हमने हैवीनेस को बिल्कुल रिमूव करना है, उस टाइम हम थिनिंग शेयर को यूज करते हैं। तो बेटा ये तो हो गई टर्म्स जो बहुत जरूरी थी, दैट आर बेसिक। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी एंगल सिस्टम कैसे आपने मेजर करना है। ये देखिए एंगल सिस्टम ऑफ हेयर कटिंग, इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूं फिर आपको बताती हूं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं आपको डी के साथ बताती हूं, ये देखिए बेटा, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसी तरह आगे। तो मतलब अगर हमने इस एरिया का 90 डिग्री करना है तो 0 डिग्री ये रहा, यानी कि 0 डिग्री वन लेंथ कट, ठीक है। अगर इसी एरिया का हमने 90 डिग्री करना है
तो ये इस तरह एंगल जाएगा, और अगर इसी एरिया का हमने 180 करना है तो बाल ऊपर ले जाके एंगल बदल जाएगा, तो हम 180 डिग्री करेंगे। अब बेटा ये बात है कि ये तो मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जीरो है तो यहाँ ऐसे आएगा, 90 है तो ये, 180 है तो ये। अब देखो यहाँ पे 90 ऐसे था, आप यहाँ का अगर 45 करना चाहते हो तो 90 का हाफ हो जाएगा 45 यहाँ पे, तो हम एंगल सीजर के साथ यहाँ पे स्ट्रैंड को लेके आएंगे। लेकिन अगर हमने 90 डिग्री इसका करना है, ये देखियो क्योंकि हमारी स्कैल्प स्ट्रेट नहीं है, तो 90 कहाँ जा रहा है यहाँ, और 180 कहाँ जा रहा है यहाँ। इस तरह ये एंगल बदलता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर स्टेप्स लेते जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 90 लेके आ रही हूँ तो 90 कहाँ आ रहा है यहाँ, और 180 आ रहा है यहाँ। और अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो 90 कहाँ आ रहा है यहाँ, और 180 डिग्री आ रहा है। इस तरह हमारा एंगल बेटा बदलता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर कट के लिए जाते हैं। इसलिए ये कन्फ्यूजन ही रखनी कि यहाँ पे 90 सीधा है तो यहाँ पे सीधा क्यों नहीं है, बिकॉज आवर स्कैल्प इज नॉट स्ट्रेट, ठीक है। अब इसी को ही मैं डमी के साथ थोड़ा सा आपको डेमो दे देती हूँ कि कैसे, इसके साथ साथ मैं आपको सीजर्स को होल्ड करना भी बताती हूँ। ये देखो बेटा हाउ टू होल्ड द सीजर, सीजर को कैसे पकड़ते हैं हम अक्सर, आप लोग ऐसे पकड़ते हो ना, ये देखो इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ, लेकिन जब हमने बाल काटने हैं तो हमने क्या करना है, रिंग फिंगर को इधर डालना है और थंब को इधर डालना है, और साथ में ये इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है कि ये दो फिंगर्स हमें फ्री रखने हैं, बिकॉज वी हैव टू थंब से निकाल के हमने कॉम को पकड़ना है। इस चीज को आपको मैनेज करना आना चाहिए। ये देखो जब मैं बालों को काटूंगी आपको पता चलेगा ये मैनेज करना क्यों जरूरी है। ये देखो ये अब मैंने ये देखो ऐसे सीजर पकड़ा, थंब निकाला हुआ है, थंब की हेल्प से मैंने, दो फिंगर्स की हेल्प से मैंने इस तरह कॉम्ब किया, फिर मैंने क्या किया इस कॉम को यहां पे होल्ड किया, और उसके बाद मैंने यहां पे स्ट्रैंड लिया। स्ट्रैंड लेने के बाद जब मैंने बालों को काटना है, मान लो जीरो डिग्री पे, ऐसे फिंगर्स आर ऑलवेज स्ट्रेट, मैंने इसको कहाँ रखना है यहाँ पे, ये मेरी दो फिंगर्स फ्री रहेंगी तो मैं बाल काट पाऊंगी, फिर मैं इस तरह इसकी कटिंग कर सकती हूँ। क्लियर हुआ? ये बेटा होल्ड करके, ये देखो आपने बार बार कॉम्ब और सीजर को रख के नहीं कटिंग करनी, इसको बैलेंस बना के रखना है। दिस वन इस तरह पकड़ा, कॉम किया, देन होल्ड किया, देन फिर हमने इसको काटा, ठीक है। ये आप पहले बैलेंस बनाना सीखो, प्रैक्टिस करो घर पे, उसके बाद मैं आपको हेयर कट शुरू कराऊंगी। दीज आर द बेसिक्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक डमी से एंगल सिस्टम के एक डेमो लास्ट दे देती हूँ कि कैसे करना है। ये देखो मैंने जैसे आपको बताया था, ये देखो अब, ये देखो दिस इज यहाँ पे जीरो डिग्री, अभी मैंने जो काटा था वो जीरो डिग्री पे काटा था, यहाँ का 90 ये, यहाँ का 180 ये। अगर मैंने यहाँ का 90 लेना है तो मैं स्ट्रैंड को बॉक्स एरिया को कहाँ लेके जाऊंगी, यहाँ इस तरह, और अगर 180 करना है तो इस तरह ऊपर जाएगा, तो एंगल बदल रहा है। अब इसी तरह अगर यहाँ पे है तो भी 90 यहाँ है, 0 यहाँ है, 180 यहाँ है। अगर यहाँ पे कर रही हूँ, देखो वही चीज जो मैंने डायग्राम के थ्रू बताई थी, 0 यहाँ, 90 यहाँ, 180 यहाँ, अब 90 बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहा, और इसी तरह यहाँ पे भी 0 यहाँ, 90 यहाँ, 180 यहाँ, और यहाँ आके बिल्कुल स्ट्रेट 90 और 180 बिल्कुल आगे और 0 यहाँ पे, ठीक है जी। 90 और 180 की पोजीशन यहाँ बदल गई, बिकॉज ये इस तरह जा रही है डी, ठीक है। तो बेटा आज के लिए ये है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेयर कट्स की डेमो दूंगी, तो डू प्रैक्टिस एट होम। थैंक्स।